हेलो गाइस, इंस्टाग्राम रील्स में इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वाला सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप भी इस तरह की वीडियो एडिटिंग करके अपने इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड कर देते ना तो आपकी वीडियो में ढेर सारे लाइक्स और व्यूज़ आने वाले होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आ गए अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन में। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वी एन वीडियो एडिटर। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के बाद इस एप्लीकेशन को अपन कर लेंगे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नीचे अपन को मिलता है प्लस का आइकन, उसमें अपन को करना है क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ आपको लिखा मिलता है न्यू प्रोजेक्ट, इसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आपको अपने फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ ऑल में क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ हो उस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से आपको अपनी 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जल्दी से मैं अपनी यहाँ से 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नीचे ब्लू कलर का टिक का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको कर देना है क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी 6 की 6 फ़ोटो इस एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से आगे आना आएगा, देखेंगे ब्लैक कलर का ऑटोमेटिक ऐड हो गया है तो उसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से लीड कर देंगे। लीड करने के बाद यहाँ आपको ऊपर लिखा मिलता है ओरिजिनल में आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको लिखा मिलेगा 9:16 जो अपने रील्स का फुल स्क्रीन का साइज़ है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपन को फिर अपनी फ़ोटोज़ में जाना है। तो आप देखेंगे जो आपकी फ़ोटो है वो बीचों बीच में नहीं है तो आपको फ़ोटो में क्लिक करना है। फ़ोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्रॉप वाले ऑप्शन में आना है, फिर 9:16 में क्लिक कर देना है, अपनी फ़ोटो यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जैसे अब ये वाली फ़ोटो मेरी ठीक है तो मैं इसको नहीं करूँगा, ये वाली फ़ोटो भी ठीक है। अब जैसे ये वाली फ़ोटो एकदम देखिए साइड में, तब क्रॉप में क्लिक करना है, फिर ऐसे 9:16 में क्लिक करके इसको यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सारी फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको म्यूज़िक कैसे ऐड करना है। तो आपको म्यूज़िक वाले आइकन में क्लिक करना है, फिर म्यूज़िक पे आएंगे, फिर प्लस पे आएंगे। प्लस के आने के बाद यहाँ आपको लिखा मिलता है थर्ड नंबर पे एस्टेट फॉर्म वीडियो, मतलब कि आप एक वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे उसके यहाँ पे साउंड आ जाएगा, वीडियो नहीं आएगी। तो पहले ही बता दूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को डाल दिया, तो वहाँ जाइए और वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। अब बहुत लोग बोलते कि वो लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो यार इस पर मैंने अच्छी लिंक डाला है, मतलब कि सही लिंक है, आप उसमें क्लिक करेंगे तो एकदम चैनल खोल जाएगा। ठीक है, तो आपको एस्टेट फॉर्म वीडियो में क्लिक करना है। मेरी वीडियो आपको इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्लिक कर देना है, उसका आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ टिप, यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए वो ना यहाँ ऊपर शो हो रहा है, तो चूज़ पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ आपको म्यूज़िक बीट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्लिक कर देंगे। अब अपन को लगाना है यहाँ पे बीट। ठीक है, तो अपन को पहली बीट लगाना है 0.23 सेकेंड। ठीक है, पूरा मैं चार्ट ऊपर आपको लगा के दिखा दूँ कि कौन से सेकेंड कितने नंबर पे लगाना है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, उसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे 0.23 में, यहाँ पे आ गए और यहाँ आपको एक फ्लैग लगा देना है, फ्लैग में क्लिक कर दिए। अब दूसरी बीट अपन को लगाना है 4.67 सेकेंड, तो अपन आएंगे 4 सेकेंड में, अपन को देखना है 4.67 सेकेंड कहाँ पर है। ये देखिए 4.67 सेकेंड आ गया, इसमें भी फ्लैग में क्लिक कर देंगे, ये अपनी हो गई दूसरी बीट। फिर अपन को तीसरी बीट देखना है, वो कहाँ पर है, वो है 5.29, तो अपन आएंगे 5.29 में, अब हमको फिर से फ्लैग में क्लिक कर देना है, ये हो गई अपनी तीसरी बीट। अब अपन लगाएंगे चौथी, तो अपन को यहाँ से आगे आना है, चौथी बीट है 6.03 सेकेंड, तो अपन को यहाँ से आगे आना है, देखना अपनी ये वाली बीट कहाँ पर, ये है, यहाँ पर है और यहाँ पर फ्लैग में क्लिक कर देना है, कर देंगे। अब लगाएंगे पाँचवीं बीट अपने 7.41, तो अपन को 7 सेकेंड में आ जाना है, ये अपनी 7.41, यहाँ से फिर से फ्लैग में क्लिक कर देंगे, ये अपनी हो गई पाँचवीं बीट। अब अपन लगाएंगे सबसे लास्ट वाली, ठीक है, ये अपनी 8वें सेकंड में आएगी 8.04, तो अपन को 8.04 सेकंड देखना ये है, और यहाँ से फ्लैग में क्लिक कर देंगे और यहाँ से टिक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देना है, तो देखेंगे जो अपन ने अभी बीट सेट की है वो अपने
यहाँ से लाइन लाइन बन के जाती है जो अपने बीट, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बता दूँ आपको कैसे लगाना है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपका टिप टिप सॉन्ग बनना चालू होगा यहाँ से। अब अपन लगाएंगे यहाँ पे एफएक्स, अपन को एफएक्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आप ब्लैक भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं, जो आपकी फ़ोटो में सूट करे। और आपको इसकी लेंथ ऐसे बढ़ा देना है, पूरी बढ़ा देंगे, और इसकी ड्यूरेशन आपको ऐसे बढ़ा देना है, कम से कम 40 अबव ही रखना है, ठीक है। और ऐसे टिक पे क्लिक कर देंगे ताकि जो रहेगा टिप टिप देखिए एकदम धीमे धीमे होगा, ठीक है ये। और जो आपको यहाँ प्लस के आइकन मिलता है ना, जैसे कि ये वाला है, इस वाले प्लस के आइकन में क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको मिलेगा जूम इन, जूम इन में सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए। और जूम इन नहीं अगर आपको पसंद आता तो ये रोटेट वाला भी आपको मिल जाता है, इसमें आपकी फ़ोटो ऐसे घूम के आएगी, ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, ये फ़ोटो आपकी घूम के आएगी। और यहाँ जो आपकी जो बीट आती है ना, यहाँ से आपको अपनी वाली फ़ोटो स्प्लिट कर देना है, ये स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ आपको एक और प्लस का आइकन मिलेगा, इसमें फिर से क्लिक करना है। यहाँ आपको लगा देना जूम इन, जूम इन लगा देंगे। और जैसे ही आपका ये जूम इन ख़त्म होता है, यहाँ आपको फिर लगाना एफएक्स ये वाली बीट पे, जो अपनी एक और बीट है लाइन दिखेगी आपको अपनी वाली फ़ोटो में, एफएक्स पे जाना है। यहाँ से आपको मिलते हैं जिटल वाला, ये जिटल वाला आपको लगा देना ये वाली फ़ोटो में, देखिए एक बार वीडियो प्ले करके, ये देखिए ये, और ये आपकी फ़ोटो सेव करके आएगी। आपको अपनी फ़ोटो अब कहाँ तक रखना है, यहीं तक इसमें क्लिक करना है। यहाँ ये देखिए वाली बीट आ गई, अब इसमें ऐसे स्प्लिट कर देंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए, डिलीट करने के बाद अब देखेंगे ये वाली जो फ़ोटो आएगी, इसको मैं ऐसे पहले सेट कर लेते हैं, स्प्लिट कर देंगे इसका एक्स्ट्रा पार्ट, और इसको भी ऐसे डिलीट कर देंगे, ये अपना इसका, इसको भी सेट करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बता देता हूँ। इस वाली बीट में आएंगे, आ गए, इस फोटो में क्लिक करके आपको ऐसे एडजस्ट करना है फ़ोटो अपने उंगलियों से, ठीक है, ये हो गया। अब ये लास्ट फोटो है, तो अपने साउंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेट करना है, स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। एक्स्ट्रा वाले जो सबसे लास्ट में पार्ट है उसको ऐसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने ये वाली फ़ोटो में भी एफएक्स लगा लिया, अब ये वाली फ़ोटो में भी आपको सेक इफेक्ट लगाना है, जैसे कि ये बीट ऊपर से आएगी। एफएक्स में क्लिक करना है, आपको जिटल देखना है, ये है इसकी लेंथ इतनी रहने देंगे ये। अब ये वाली फ़ोटो में आना है, एकदम स्टार्टिंग में ही लगाना है दोस्तों, ठीक है। फिर से एफएक्स में क्लिक करना है, आपको आना है यहाँ पर जिटल में, ये लग गया यहाँ पर एफएक्स। अब ये वाली लास्ट वाली फ़ोटो में भी एफएक्स में आना है यहाँ पर आपको, और ये आपको जिटल मिल जाएगा, और इसमें भी जिटल लगा देना है। तो देख सकते हैं आपकी वीडियो पूरी बनकर रेडी हो गई है। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी ये वाले सॉन्ग में वीडियो बना सकते हैं। जो भी मैंने बीट लगाया है उसका एक मैंने चार्ट भी बना के ऊपर लगा दिया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बीट लगाने में इजी पड़े, ठीक है दोस्तों। अब बता दूँ इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ऊपर आपको लिखा मिलता है एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप टिक पर क्लिक कर देंगे तो जो आपकी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी। जैसे आपकी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, यहाँ आपको क्लिक कर देना है सेव टू एल्बम, तो जो आपकी वीडियो है वो आपके एल्बम में या फिर आपके गैलरी में शो होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।